हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आप सिंपल क्या करा करो, बोला कौन सा टर्म नेगेटिव है, हमने तुरंत ही an को लेस देन जीरो ले लिया, बस अब n के लिए निकाल लो। इस क्वेश्चन में पहले से ही an को लेस देन जीरो ले लो और n फाइंड आउट कर लो, खेल खत्म। इस क्वेश्चन का हो जाएगा खेल खत्म अगर an हमारा लेस देन जीरो है तो an क्या होता है, an हमारा a प्लस n माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। तो फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 20, n हमें पता करना है, डिफरेंस निकालना पड़ेगा यार, डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 19 एंड 1/4 ये हो गया माइनस का 20, तो कितना आ जाएगा ये हो गया तुम्हारा 76 और 1 77, तो 4 एलसीएम लिया तो 77 माइनस 80, तो क्या माइनस का 3/4 आएगा, तो डिफरेंस है माइनस का 3/4 लेस देन जीरो। ठीक है, अब जरा 4 यहां पे अगर एलसीएम ले लिया जाए, यहां पे अगर हम 4 एलसीएम ले लें तो 4 यहां पे मल्टीप्लाई होकर 80 आ जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3 लेस देन जीरो, तो ये 83 आ जाएगा, 83 माइनस का 3n, ये 4 हो जाएगा लेस देन जीरो। मतलब क्या हो गया देखो ध्यान से, 83 माइनस का 3n लेस देन और ये जीरो, क्लियर। तो बस अब यहीं से निकलेगा आंसर, तो यहां से आ जाएगा माइनस 3n लेस देन माइनस का 83। अब एक बात बच्चे बड़े जल्दी गलती करते, कहते सर बचपन में एक चीज सीखी है, तो भाई बचपन में बोलते हैं सर माइनस से माइनस कैंसिल, बेटा वो बचपन था, अब तुम्हारा बचपन खत्म हो चुका है, ऐसे माइनस माइनस कैंसिल इनइक्वालिटी में नहीं होता, वैसे होता है, बचपन गलत नहीं था, बचपन में भी सही सीखा था, लेकिन वो इक्वल टू था, यहां इनइक्वालिटी है, तो माइनस माइनस ऐसे कैंसिल नहीं करना है, ये सोचना है माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स होती है, इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स होती है, बचपन थोड़ा सा बदल गया यहां पे, ठीक है, बस अब आ जाएगा आंसर, तो n हो जाएगा 83/3, 3 से डिवाइड कर दो इसको, अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें, 3 से अगर डिवाइड कर दें तो n कितना आ जाएगा, 83 से डिवाइड करा तो 3 2 6, 3 7 21 2, क्या 27.66 आ रहा होगा, समझ रहे हो 27.66, तो ये तो पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में तो होता नहीं है, तो n की वैल्यू 27 से बड़ी चाहिए, ग्रेटर देन है, तो कौन सा टर्म हो जाएगा 28th टर्म, कौन सा हो जाएगा 28th टर्म इसका आंसर होगा, कि भैया 28th टर्म जो है वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।